नमस्कार, आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भवानी स्वामीनाथन, फाउंडर ऑफ आकांक्षा डिजायर फॉर वेलनेस। मैं न्यूट्रिशनिस्ट और होलिस्टिक वेलनेस कोच हूं और आप सबका स्वागत है हेल्प टॉक चैनल पे। सो आज दिवाली है, तो दिवाली मतलब दियों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, मिठाइयों का त्यौहार। तो हम सब आज बड़े खुश होते हैं, तैयार होके सुबह सुबह उठ के नए नए कपड़े पहन के। वो उन दिनों की बात ही कुछ और थी जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, तो सुबह उठ के वो 4 दिन पहले से वो खुशियाँ आनी शुरू हो जाती थी कि भाई दिवाली है, दिवाली है। तो इस साल दिवाली कुछ अलग होगा, ज़्यादा मिलना जुलना लोगों से हो नहीं पाएगा, तो थोड़ी अलग दिवाली इस साल मनाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो हमसे कम समृद्ध हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है रोशनी की, उन्हें हम रोशनी दें। कुछ अपनी तरफ से मदद करके, कुछ खाने के लिए देके या फिर कुछ कपड़े या कुछ बच्चों की फीस भर के, स्कूल की, इस तरह से छोटी छोटी खुशियां हम उनके जीवन में लाए। तो इस साल की हमारी दिवाली का मोटो यही रहेगा कि हम सबको खुश, सब में खुशियां बांटें। मैं एक छोटी सी कविता कह ले आप इसे बोलना चाहूँगी। ये मेरी मम्मी का लिखा हुआ है। ये मम्मी एक लेखिका है, कवियत्री है। तो मम्मी ने ये कुछ लाइंस दिवाली के बारे में लिखे थे, जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। प्रकाश और ज्योति का त्यौहार दीपावली, जगमगाते प्रज्वलित दीपों का त्यौहार दीपावली, घर घर आंगन आंगन दियों से सजा त्यौहार दीपावली, फूल झड़ी पटाखे से गूंजता चमकता त्यौहार दीपावली, बच्चे युवा वृद्धों का जोशीला त्यौहार दीपावली, गली गली दुकान छत छज्जे पर बल्ब से सजा त्यौहार, मिठाइयों की विविधता मिठाई का स्वाद भरा त्यौहार, लक्ष्मी पूजन का महान शुभ पर्व दीपावली त्यौहार, धनतेरस भाई दूज से आगमन त्यौहार दीपावली, इस दीपों की जगमगाहट से पर्व को आनंद पूर्वक मनाकर सुख समृद्धि उन्नति और उमंग पाइए। सो ये छोटी सी कुछ पंक्तियां मैंने पेश की जो मेरी मम्मी ने लिखी है दिवाली के बारे में। सो फिर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये जो हम लोग का पिछले 5 दिनों से जो चर्चा हो रहा था सात्विक फूड के ऊपर, टू हील योर इमोशंस, तो आज उसका लास्ट एपिसोड है। तो आज के दिन, दिवाली के दिन, हम ये अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि अपने हेल्थ की हम अच्छी तरह से देखभाल करें, अच्छा खाना खाएं, उसे अच्छी तरह से प्यार से बनाकर खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाएं, ताकि वो सारे अफेक्शन, इमोशंस, वो सारे जो पॉजिटिविटी है, वो सारा आप उस फूड के अंदर, वो इंग्रेडिएंट्स जो हम फूड में डालते हैं, उसके साथ में ये पॉजिटिविटी, ये प्यार, ये लव एंड अफेक्शन उसके साथ मिक्स हो जाए, ताकि सब लोग खुश रहे घर पे, सब लोग बीमारियों से दूर रहे, सब सुख और समृद्धि आए इस दिवाली। सो एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है। ये एक साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है, दिवाली के टाइम पे इसे बनाया जाता है। इसे हम मरंग कहते हैं। मरंग का मतलब अगर हम ट्रांसलेट करें इसे इंग्लिश में, तो इसका मतलब होता है मेडिसिन। सो ये जो है दिवाली के टाइम पे इसलिए बनाया जाता है कि दिवाली में हम लोग बहुत सारे मिठाइयाँ खाते हैं, बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है। सो ज़्यादा खाने से जो इंडाइजेशन हो जाता है, उस इंडाइजेशन से बचने के लिए ये मरंग, या फिर इसे लेहियम भी कहा जाता है, बेसिकली एक तरह का मेडिसिन है जो एसिडिटी या फिर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो होती है बहुत खा के उसको दूर करने के लिए ये काम आता है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि किस तरह से बनाते हैं। तो ये किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताती हूँ। और इतना ज्यादा पावरफुल ये मेडिसिन है, जिसे हम हमारे अगर इंडियन किचन में अगर आप देखें तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो एक तरह से मेडिसिन का काम करती है। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ इंडियन किचन फार्मेसी, क्योंकि
किसी औषध वाले दुकान से कम नहीं है हमारी किचन। उसमें सारी वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे तबीयत को, हमारे सेहत को, हमारी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो बात करते हैं इस आज के इस लास्ट एपिसोड में, मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगी, किस तरह से इतना ज़्यादा ये बेनिफिशियल है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक जैसे आप एक कटोरी अगर आपने जीरा लिया तो आधा कटोरी आप अजवाइन लेंगे और उसमें थोड़ा सा जो क्यूरकुमिन जिसे हम कहते हैं, जो कच्चा हल्दी है, वो कच्चा हल्दी डाल के आप रात में उसको भिगा के रख देते हैं पानी में। फिर सुबह उठ के जैसे 6 से 8 घंटे भीगने के बाद में उसको मिक्सर में अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लिया जाता है और इस पेस्ट को कढ़ाई में थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छे से पका लिया जाता है। और जितना ये मिक्सचर है, अगर एक कटोरी ये मिक्सचर है तो 3 कटोरी गुड़ डाल के उसमें अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेते हैं। तो एक तरह से आप देखेंगे ये हलवे की तरह लगता है देखने में। और इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इसमें पेपर भी आता है जो ब्लैक पेपर होता है। तो जीरा, काला जो मिर्च, गोल मिर्च जो कहते हैं, ब्लैक पेपर और अजवाइन, तीनों को भिगा के कच्चे हल्दी के साथ भिगा के रात में पानी में, फिर सुबह इसको पीस के कढ़ाई में अच्छी तरह से पका लिया जाता है पानी डाल के। फिर एक कटोरी अगर ये मिक्सचर आपको मिला है तो 3 कटोरी आपको उसमें गुड़ डालना होगा और उसे अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। और जब ये पूरी तरह से हलवे की तरह मिक्स हो जाएगा तो उसमें हम अच्छा खासा घी डालते हैं। घी बहुत ज़रूरी है हमारे सेहत के लिए। और आप देखेंगे ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं इस स्पेसिफिक, ये वाला जो मैंने आपको भी रेसिपी दिखाया है, ये जो लेहियम जिसे हम मरंद कहते हैं, जिसे मेडिसिन ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता है मेडिसिन, तो इसमें आप देखेंगे वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे डाइजेशन प्रोसेस या डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में काम आता है, पहली बात। दूसरी बात है कि मौसम अभी बदल रहा है, अभी दिवाली जैसी शुरू हो जाती है ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, तो ये जो काली मिर्च है ये आपकी बॉडी को गर्म रखने में काम आता है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें यहाँ, और फिर घी जो होता है, घी भी ठंड के मौसम में बहुत अच्छा है, स्किन जब आपकी ड्राई होती है तो ये काम आता है स्किन में वापस ग्लो लाने का। और उसमें थोड़ा सा तिल तेल भी डाला जाता है 1 चम्मच। तो इस तरह से ये पूरा मिक्सचर जो है ये बहुत टेस्टी होता है एक्चुअली खाने में, लेकिन इसे 1 या 2 चम्मच दिवाली के टाइम पे खाया जाता है ताकि इनडाइजेशन से बचे रहे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन किचन में इतनी सारी वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। बस आपको समझना है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कब यूज़ करना है, कितने क्वांटिटी में यूज़ करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो शुरुआत हुई थी इस प्रोग्राम की, इस एपिसोड की, कि हमें सात्विक फूड खाना है। सात्विक फूड का मतलब ये नहीं है कि नो अनियन नो गार्लिक, साथ साथ आपको प्यार से वो खाना बनाना है, प्यार से वो खाना आपको परोसना है ताकि घर में जितने लोग भी आपके खा रहे हैं वो सारे खुश रहे, उनके इमोशंस जो उनके नेगेटिव इमोशंस है, वो चाहे हर्ट हो, चाहे पेन हो, या जेलसी हो, या एंगर हो, ये सारी चीज़ों से वो दूर रहे। और ये सब हो सकता है जब हम प्यार से फूड बना के प्यार से उस फूड को सर्व करें। इंग्रेडिएंट्स तो इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ ये लव एंड अफेक्शन भी एक, मतलब दो अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट है जो हमें फूड में डाल के दूसरों को देना पड़ता है। तो इस दिवाली चलिए प्रॉमिस करें कि हम अपने हेल्थ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, अच्छा खाएंगे, प्यार से बनाएंगे, अच्छा सोचेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, थॉट्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो बड़े अच्छे वाले थॉट्स लेकर आएँ। और हमेशा प्रॉमिस करें अपने आप से कि आप हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि खुश रहने से ही हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। खुश रहना मतलब ये नहीं है कि नई गाड़ी ले ली, नया फ़ोन ले लिया, या फिर कुछ और नया ले लिया, अंदर से हमेशा हर वक्त खुश रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेट अस प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स टू मेक आवर लाइव्स हेल्दियर एंड हैप्पियर दिस दिवाली। थैंक यू। Help Talks are daily health related talks held at Health Education Library for People, Mumbai, India.
For more information, visit www.healthlibrary.com. Subscribe to Help Talks channel. Be better informed about your health.